बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यार ये प्ले बॉय है। हाँ। अपने आप को एक्टर समझा ही नहीं है, मैंने कभी अपने आप को वो स्टार समझा ही नहीं है। लेकिन ये तो आपकी खूबसूरती। 8 बहन भाई, 5 भाई और 3 बहनें, और फैमिली में सबसे बड़ा मैं हूँ। सबको मैंने सिर्फ बहन भाइयों को नहीं, पूरी फैमिली को, बीइंग एल्डर, मैंने पूरी फैमिली को अपने परों के नीचे रखा। अपने आप को भूल के किया इसे। यस 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 यस। एंड मुझे खुशी होती है, अंदर से खुशी होती है। एंड आई डोंट वांट कि उसके रिटर्न में मुझे क्या मिलता है। जी हाँ, वालदा के हवाले से ये प्रोग्राम हमने जब शुरू किया था, मैं अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, क्योंकि ये सआदत है एक तरह से। यू नो, माँ जहाँ एक औरत है वहाँ उसका जो मकाम माँ की हैसियत से है, उसकी अगर आप कुरान से लेके किसी भी मजहबी किताब में आप देखेंगे, माँ के साथ ही ताबीर किया है खुदा ने। खुदावंद ताला जब भी कोई तशबीह देता है मोहब्बत की तो माँ का नाम आता है, और एक दफ़ा नहीं, 3-3 दफ़ा। और मैंने ये भी देखा है कि जब यहाँ लोग आते हैं तो अपनी वालदा का जिक्र करते हुए वो बच्चे बन जाते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही है। एक उम्र गुजरने के बाद सबको ये एहसास होता है कि ये जो प्योर लव है जिसको हम माँ का रिश्ता देते हैं, इसके बहुत सारे रूप हैं, और हर आदमी उसकी औलाद जो है वो उसको अपनी नज़र से देखती है। आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि स्टूडियोज़ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम जलीय रूप से रखा जाएगा जब भी मीडिया इंडस्ट्री और एक्टिंग का हवाला दिया जाएगा। इन्होंने अपने कामयाबी के झंडे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में, जहाँ हमें शायद इतने प्यार से नहीं देखते वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उनके लोगों ने इनकी जो पज़ीराई की उससे ये बात साबित है कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ जहाँ पाकिस्तानियों को देखा जाता है, वहाँ इनका नाम है। और ये दवाम है अभी से जिंदा, लिविंग लेजेंड जनाब जावेद शेख सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको शुरू से ये मैच्योरिटी थी या अभी आई है? नहीं, काफ़ी अरसे से। मैं देखे ना, इतने अरसा हो गया मुझे, 40-50 साल काम कर रहा हूँ। इस बात पर कभी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं आएगी जावेद? मैं मेरा कभी किसी के साथ ना फड्डा हुआ, ना कोई ऐसी झगड़ा हुआ कि भाई आज आप आए नहीं, अब आपकी वजह से सेट टूट गया, ये कभी नहीं। ये बड़ी अनकॉम्प्लिकेटेड सी आपकी जो है पर्सनालिटी, बड़ी वो सादगी में जो कॉम्प्लिकेशन है ना, yes. वो लोग अलग समझते नहीं है। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे एक और जो चीज़ मेरे साथ मुंसलिक की जाती है वो ये है कि मैं, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यार ये प्ले बॉय है। I'm not a playboy. That you don't know about me. Absolutely. You see? But आपका इमेज अगर चल रहा है, उसे पैसे आ रहे हैं, ठीक है? नहीं नहीं, playboy की वजह से पैसे नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। वो तो नहीं, ये तो आपकी कुछ जाती, देखिए जाती जिंदगी और एक सोच, वो तो दो अलग अलग चीजें। नहीं है, बट मेरा कहने का मतलब है कि ये एक एक परसेप्शन, बिल्कुल ऐसे वो गलत है। जैसे आप, वैसे भी लोग अगर मुझे जो नहीं जानता वो कहते हैं यार जावेद शेख बहुत गुस्से वाला है, बहुत अजीब है, बड़ा अपना गर्दन में सरिया होगा। मैं तो, आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। मैंने कभी अपने आप को एक्टर समझा ही नहीं है, मैंने कभी अपने आप को वो स्टार समझा ही नहीं है। लेकिन ये तो आपकी खूबसूरती है ना, आपकी खूबसूरती है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप एक हम्बल तरीन इंसान है, बस ये मानना पड़ेगा। अच्छा, शुरू से आए ना, क्योंकि इसमें सारी तरबियत की बात आ जाती है जावेद भाई। आपको जिस तरह का माहौल मिला, आपकी शख्सियत में जो बड़ापन है कि आप ज्यादा सोचते नहीं, किसी से दिल में रखते नहीं, नहीं कभी भी, ये कहीं ना आपके वालदेन की तरबियत का हिस्सा होती है। आपने कहीं ना कहीं ऐसी तरबियत देख पाई जिसकी वजह से आपने दिल में दरगुजर और माफी करने का एलिमेंट। यस बिल्कुल। तो वालदा की और वालिद की तरफ से, दोनों की तरफ से ही आया या किसकी तरफ से आया है? वालदा की तरफ से, वालदा की तरफ से। वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थी और कूल हेडेड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थी। अच्छा। तो वो दोनों चीज़ें मुझ में हैं, यानी कि ये मैंने उनसे पाया। आपकी शक्ल भी वालदा से मिलती है कि वालदा से मिलती है? हाँ, आपकी शक्ल वालदा से मिलती है, वालिद से? मेरा जो स्ट्रक्चर फेस का, जो
हमेशा उमर शरीफ मुझे कहता है यार वो कलमी आम जो है ना, नहीं नहीं सो यू आर वेरी गुड लुकिंग, वो खुद आई डोंट छोड़े इस बात, आई डोंट माइंड, मैं तो कभी आज तक माइंड नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, बात ये है कि माइंड तो उसको करना चाहिए जिसको पता लगे कि यार मुझे पता है कि यार अगर आप मर्दाना वजाहत की वजह से अभी तक चल रहे हैं, यू आर गुड लुकिंग मैन, अब जावेद शेख तभी तो है, हर उस फ्रेम में आप देखें आप बने सवरे रहते हैं, ये वो करम है, करम लेकिन है। आप इसमें आपका बड़ी मेहनत भी है यार, इस तरह टर्न आउट करना, यस, और ख्याल रखना, देखो साजिद मैंने तो ये इतने साल ये बार दफा लोग मुझसे पूछते हैं कि यार क्या कर, मगर उसके लिए बड़ी तगदौ है, मैं खाना पीना रोना उठना बैठना सोना वो सारा इसमें शामिल है। कहीं ऐसा लगता है आपके बारे में कि हर वक्त आपके ऊपर कैमरा है 24 घंटे, लगता है ऐसा क्योंकि आप 24 घंटे किसी ना किसी चीज में आप मुनमिक हैं, काम कर रहे हैं कपड़े में, yes, yes, हर चीज में, yes. आपका एक सेकंड भी फालतू नहीं है, yes, yes. तो ये भी वालदा से आया है? नहीं नहीं ये तो नहीं आया, बट इसमें जो कर रहा हूँ उस इसमें उनका बड़ा हाथ है। अच्छा, yes. कितने बहन भाई है लोगों? हम लोग 8 बहन भाई, 5 भाई और 3 बहने, और फैमिली में सबसे बड़ा मैं हूँ। सबसे बड़े आप हैं? सबसे बड़े मैं, उसके बाद बहन है, उसके बाद नहीं उसके बाद मेरी बहन नजमा थी जो रावलपिंडी में रहती थी, वो उनका इंतकाल हो गया, और उसके बाद फिर मेरा भाई तारिक है, उसके बाद फिर जफर है, फिर मेरी बहन फरीदा है, फिर मेरी बहन सफीना जो बैरोज की वाइफ है वो है, फिर उसके बाद मेरा भाई नासिर है, फिर उसके बाद सबसे छोटा सलीम है, सलीम शेख। यस, क्रिकेट खेलनी चाहिए थी इसलिए, yes, yes, है ना? Yes. तो आप सबसे बड़े तो बाप की तरह बिल्कुल। Yes, मैंने सबको मैंने सिर्फ बहन भाइयों को नहीं, पूरी फैमिली को, बीइंग एल्डर मैंने पूरी फैमिली को अपने परों के नीचे रखा। तो ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हर आदमी में नहीं होती, नहीं होती, नहीं, नहीं होती। कई लोग, मैं तो आपको वर्ष करूँ, मैं तो एक बंदे का ख्याल नहीं करना चाहता, आप यकीन करें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, मैं आप तो लगता है आप तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते आए। सर मैंने किया है, बहुत किया है साजिद, बहुत किया, बहुत किया, बहुत किया, और कहीं अपने आप को भूले भी, अपने आप को भूल के किया है। यस 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 यस, एंड मुझे मुझे खुशी होती है, अंदर से खुशी होती है, एंड आई डोंट वॉन्ट कि उसके रिटर्न में मुझे क्या मिलता है, कुछ ना भी मिले सोचा ही नहीं कभी, हाँ कभी नेकी कर दरिया में डाल नहीं, और ये भी है कि जिसके लिए मैं करता हूँ आगे से उसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है, उसको दरगुजर कर जाता है। तो सबसे बड़े पे तो बहुत बड़ी नजर होती है ना, और फिर 8 yes, बच्चे माशाल्लाह, एग्जैक्टली exactly. और फैमिली में भी, इस फैमिली को भी जो हमारी फैमिली है सबको जोड़ कर रखा हुआ है मैंने। अरे आपकी वालदा और वालिद, इनके बारे में बताइए, इनकी शादी कैसे हुई, पसंद की शादी थी, कहाँ से ताल्लुक़ था दोनों का? मेरी वालदा का ताल्लुक़ वो उनकी फैमिली जो थी वो जम्मू कश्मीर में थी, 47 में वो वहाँ से बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान आए, अपने 4 भाई और 3 बहनें। ओह वाह, इससे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ख़वातीन नज़रात यहीं से किस्सा शुरू करेंगे।